हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। श्री राम मंदिर निर्माण के द्वितीय चरण के प्रारंभ होने के साथ जसवंतपुरा में चामुंडा माता मंदिर प्रांगण से भव्य रैली का आयोजन हुआ। निधि संकलन समिति के प्रचार प्रमुख हेमंत राज पुरोहित ने बताया कि रैली का आयोजन चंचल मठ के मठाधीश लक्ष्मण नाथ जी महाराज और रामसीन खंड विस्तारक अभिषेक भाई साहब के सानिध्य में हुआ, जिसमें रैली का प्रारंभ चामुंडा माता जी मंदिर से मुख्य बाजार होते हुए गौलाना तिराहा से लेकर गांव की मुख्य गलियों में और पूरे गांव में भगवमय नारों और प्रभु श्री राम के भजन के साथ रैली निकाली गई, जिसमें अलग अलग प्रकार की झांकियों का भी आयोजन होगा और पूरे गांव में वाहन रैली निकाली गई। इसको लेकर मुख्य बाजार और गांव में जगह जगह ग्राम वासियों द्वारा राम सेवकों का स्वागत किया गया। इस दौरान रामसीन खंड विस्तारक अभिषेक ने राम मंदिर निर्माण को लेकर युवाओं में उत्साह भरा और राम मंदिर के इतिहास को बारीकी से लोगों को बताया तथा उन्होंने कहा कि राम के लिए कण कण देना है, क्षण क्षण देना है। इस तरह से उन्होंने युवाओं को संबोधित किया। इस दौरान निधि संकलन समिति के सहसंयोजक जसवंत प्रजापत कार्यालय प्रमुख मनीष सोनी और दिलीप पुरोहित, कोष प्रमुख भरत सुतार व महेश नगर के अलावा कालू राम पुरोहित, फूलचंद खंडेलवाल, देवाराम प्रजापत, किशोर सेन, जुगल किशोर, गोविंद माली, तिलोक नगर, कैलाश मेघवाल, अशोक सुतार, जगदीश लोहार समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। जागरूक टीवी के लिए जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट।